हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से महत्वपूर्ण स्तर है सर, और क्या रणनीति अपनानी है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, के संकेत काफी अच्छे हैं भारतीय बाजारों के लिए। दुनिया भर के बाजारों से अच्छी मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। अमेरिका में तेजी जो हुई है हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा होती हुई दिखी है, और उसका फायदा भारतीय बाजारों ने थोड़ा कल उठाया, थोड़ा आज उठाएंगे। अब आज एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। कल हल्का फुल्का शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, आज फिर से मिलेगा। कल के सेशन में एक अच्छी बात है कि लोकल फंड्स की तरफ से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आई है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। हालांकि एफआईआई की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली के आंकड़े हैं, लेकिन लगता है कि आज इनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आने के आसार बन सकते हैं। अब आइए लेवल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी पर 21,550 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और इस रेंज में आने पर खरीदारी होती हुई दिखेगी। कल का जो लो है 21,450 वो आसानी से टूटने वाला है नहीं, तो उससे पहले ही 21,550 की रेंज में आप खरीदारी होते हुए देखेंगे अगर दिन के दौरान कोई एक डिप मिलती है तो। ऊपरी स्तरों पर 21,700 तक का तो रास्ता नजर आता है, उसके बाद 21,700 से 21,775 वो रेंज है जहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास जब आप पहुंचेंगे तो वहां से आपको मुनाफा वसूली भी आती दिख सकती है और करनी भी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल हर निशान में बंद होने में कामयाब रहा 3 दिनों की गिरावट के बाद। 47,150 ये अब आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट 47,500 के आसपास है, और मुझे लगता है उसके आसपास से उसके पार खुलने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, और उसके बाद 47,725 से लेकर 47,850 ये अगली इम्पोर्टेंट रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है, पॉजिटिव बायस है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन रुकावट के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप सपोर्ट लेवल के आसपास खराब बाजार में आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर खरीदारी कर रहे हैं, वैसे मजबूत बाजार में थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे खरीदने का इंतजार करें, तो दोनों तरफ की ट्रेडिंग के मौकों को आपको हाथ में लेना चाहिए जी।